सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को या न्यायाधीशों को सम्मान देते हैं या फिर नहीं देते हैं? जी जी अनुराग जी, मैं लौटेंगे। नहीं, पहले सभी एक बार इस पूरे मामले पे सभी एक सेकंड श्वेता जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के लोग से, सरकार तो केंद्र में आपकी है, आपके पास सारी एजेंसी है, जहां आपको दबाना होता है वहां एजेंसी चली जाती है, और बात बाकी कहते नहीं मेरी तो सरकार है नहीं वहां पे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, पुलिस भी मेरी नहीं है, कोई मेरा नहीं, जब सब कुछ आपका नहीं है तो दूसरी जगह सरकार बनाने के लिए तो आप ले जाते हो गुवाहाटी, गोवा, पता नहीं कहां जाते हो, घटनाएं होती है तो हाथ खड़ा कर देते हो, नहीं नहीं मेरी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उदयपुर में, हम राजनीति करेंगे, ठीक है, राजनीति करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, राजनीति का मौका मिला है मुझे, कमाल की सरकार है भाई, जहां राजनीति करनी है, राजीव तुली जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अभी तक आए नहीं है हमारे साथ, इसीलिए जिम्मेदारी आप पर सारी हो जाती है। अब अनुराग जी, अब उनको बोल लेने दीजिए, आप उनको बोल लेने दीजिए अनुराग जी, एक एक करके, हर जब भी मुकेश जी ने कहा आप दोनों चुप रहे, आपने कहा बाकी दोनों गेस्ट हमारे चुप रहे, तो अब मैं उम्मीद करती हूं कि राजीव जी बोलेंगे तो बाकी सब सुनेंगे। सहनशीलता की जरूरत है हमारे देश को इस समय। राजीव जी बोलिए। जी श्वेता जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं और भाजपा के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूं, परंतु जो कुछ बातें इस सारी डिबेट में ध्यान करवाने वाली है, मैं उनमें से दो चार बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, अभी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, वैसे सिर्फ ये जानकारी भी दे दें कि अमिताभ सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव भी है उनका, तो उनसे हम थोड़ी देर में हम जानेंगे, लेकिन राजीव जी आप अपनी बात पहले रख लीजिए। जी, तो मेरे को लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कल का ऑर्डर दिया है उसमें कहीं भी इन टिप्पणियों का किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं है, ओरल टिप्पणियां हैं, लिखित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस घटना के लिए नुपुर शर्मा को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है, तो ये घटना या ऐसी घटना भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में भी पहली बार नहीं हुई है। आप अगर 17वीं शताब्दी से शुरू करेंगे तो लाहौर में उस समय वीर हकीकत राय करके एक बालक हुए, 14 साल का बालक था, उसकी भी हत्या कर दी गई। आप, अरे भाई साहब, 17वीं शताब्दी में लोअर भारत का हिस्सा था, आप भूल गए, मैं नहीं भूला हूं। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद महाशय राजपाल, जिन्होंने एक पुस्तक छापी थी, उनकी हत्या हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो शुद्धिकरण का आंदोलन चलाते थे और जब उनकी हत्या हुई वो बीमार थे। उसके अलावा आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इस प्रकार के कई उदाहरण और मिलेंगे, और ये सब उदाहरण यदि आपको एक स्थान पर पढ़ने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है केस फॉर पाकिस्तान, उसमें आप पढ़ लीजिए। मेरा ये कहना है, मेरा इस सब में समिशन इतना भर है कि ये जो कट्टरवादी मानसिकता है, इस कट्टरवादी मानसिकता से लड़ने की आवश्यकता है, टीवी चैनल्स पर बैठ करके उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत किसी प्रकार की भी नहीं है। इसलिए मेरा अपने बाकी दोनों पैनलिस्ट से भी निवेदन है, ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये रेडिकलाइजेशन केवल यहां नहीं दिख रहा है, ये चार्ली हेब्दो के केस में भी दिख रहा है, ये तस्लीमा नसरीन के केस में भी दिख रहा है। आप कह दीजिए ये सब भी नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद हुआ, तो ये सब घटनाएं बहुत पुरानी है। और दूसरी बात, भारत में कोई ईश निंदा का कानून नहीं है। यदि ईश निंदा का कानून होता तो वो जो भारत में एक पीके के नाम से फिल्म बनी थी, उस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर को सबसे पहले बंद करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे वक्ता उस डिबेट पर बैठे थे, जिनके प्रवोक करने के बाद नुपुर शर्मा ने ये बोला, वो प्रवक्ता आज भी टीवी पर बैठ रहे हैं, टीवी पैनल्स पर बैठ रहे हैं, और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती अभी तक नहीं दिखी है, दिख नहीं रही है। तो मेरा आप और इनमें से भी, दोनों पैनलिस्ट में से भी या बाकी भी जो सब पैनलिस्ट बैठते हैं पैनल्स पे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जितने जोर शोर के साथ नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने, उस पे एक्शन लेने या बाकी सब जो बातें की जा रही हैं, देखिए मैं आपके ऊपर नहीं बोला था साहब भदौरिया जी, आप भी इतनी शालीनता रखिए कृपया करके, ठीक है राजीव जी, कंक्लूड कर लीजिए अपनी बात को। निकाल करके लोग डिबेट देखते हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर, तो मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि उतने ही जोर शोर के साथ आप लोग तस्लीम रहमानी साहब जो पैनलिस्ट थे
उनकी अरेस्ट की, उन पर एक्शन पर उनकी एफआईआर की भी बात उठाइए। नुपुर शर्मा पे तो एफआईआर कलकत्ता पुलिस ने आज लुकआउट का नोटिस जारी कर दिया, वो तो सब एक्शन उन पर हो रहे हैं और सब डिमांड भी कर रहे हैं। जो बाकी पैनलिस्ट टीवी पर बैठ करके ये प्रोवोकेशन का काम करते थे जिसके कारण ये घटना हुई, उनमें से भी किसी की अरेस्ट, उस पर एफआईआर और उस पर एक्शन, इसकी डिमांड भी इन सब पैनलिस्ट को उठानी चाहिए। चलिए ठीक है, अमिताभ सिन्हा जी, ये एक तरफ ये बात आती है कि राजस्थान में हो गया, पूरी आलोचना होती है कांग्रेस सरकार की, अमरावती की ये घटना देखिए अब एमवीए सरकार के समय की निकल आई, पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी। अगर इस तरह की आईसिस स्टाइल मर्डर्स का एक सिलसिला सा चल रहा था और इस तरह की प्लानिंग चल रही थी, अब 6-7 लोग हर हत्याकांड में गिरफ्तार हो रहे हैं, तो जिम्मेदारियां क्या बंधती नहीं है सब पर? धन्यवाद श्वेता जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, लेकिन मैं इतना आपसे विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि यहां मुझे बुलाया भी गया है और मैं यहां पर सिर्फ एक कानून के विद्यार्थी के नाते उपस्थित हूं। राजनीतिक विश्लेषण के लिए भदौरिया जी तो अपने आप में इतने वाचाल, अभी तक मैं सुन रहा था उनकी बात, वो जब बोलना शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप ही बोलते हैं। मुकेश जी भी हैं और राजीव तुली जी ने तो इतनी अच्छी से अपनी चीजें अपने स्थान पर रखी कि मैं तो प्रभावित हुआ उनसे। मेरा कुछ विषय बहुत स्पष्ट है, देखिए इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि जितना भी देखा जाएगा उतना ही इसका और उलझेगा पेच। ये एक, और मैं थोड़े कड़े शब्दों का भी प्रयोग करूंगा, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ, ये मुस्लिम जिहादी मानसिकता है और जिसका तुली जी ने बहुत ही सबले तरीके से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। और ये जिहाद जो है वो इसके मुस्लिम विद्वान जो है वो कुरान में लिखे हुए जो आयतें हैं, हदीसें हैं, उनके आधार पे जिहाद की व्यवस्था करते हैं। और बिल्कुल अच्छा है, तुली जी ने कई उदाहरण भी दिए दुनिया में। लेकिन मैं अब फिर आता हूँ बात पे, कल की घटना पे। मुझे कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने आपके चैनल में भी और विभिन्न चैनलों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो बयान है वो उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं था, वो उन्होंने अपने मन की भड़ास यदि निकालनी थी तो इन कैमरा निकालते। इस तरह से मीडिया में ओरल ऑब्जर्वेशन करने से नुकसान क्या होगा? एक तो महिला नुपुर शर्मा, खुद वो लीगल प्रैक्टिशनर, तीसरा खुद कोर्ट ने माना कि आपको इंस्टिगेट किया गया, और चौथा उसके बाद आप कहते हैं कि सत्ता का नशा आप पर है। इस तरह की हल्की बात, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेवारी का बयान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में, वो ऐसे भी संवेदनशील मामला था, इसमें एक व्यक्ति की गला रेत की निर्ममता से आईएसआईएस के तरीके से, तालिबान के तरीके से हत्या हुई है और उसका जिम्मेवारी सिर्फ नुपुर शर्मा पे देना, मैं इस पे बहुत विरोध दर्ज करता हूँ। और मैं, जैसे कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल भी हुआ है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई कोर्ट संज्ञान लेके उसको उस बेंच को इंस्ट्रक्शन देगी, सो चीफ देंगे या उनको कहेंगे कि आप इसको विड्रॉ करिए जो ओरल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मेरा कहना है कि ये गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत हुआ है, ऐसी बातों से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए, उससे सबसे बड़ा आघात सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रतिष्ठा पर लगी है। आज इतने पूरे देश भर, दुनिया भर से मेरे पास में संदेश आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है वो निहायत ही गलत था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे उंगली इतनी खुलेआम उठने का कोई तात्पर्य था? उनको सिर्फ एक लाइन में जजमेंट देना चाहिए था। मैं यदि उसमें वहां होता सुप्रीम कोर्ट में तो मैं खुद मेंशन करता, कहता, रिक्वेस्ट करता कि आप ओरल ऑब्जर्वेशन क्यों दे रहे हैं, आप बोलिए कि इसको डिसमिस दैट, विथड्रॉन करें, या इस तरह की कई तरीके हैं, एक लाइन में बोल देते बात खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नुपुर गई थी, वहां पर ये जो भी केसेस देश भर में फाइल हुए उसमें मेंसरिया है, उसमें एक मलफाइडी है कि उस महिला को परेशान करो, इसमें इन्होंने कहा रहमानी को, रहमानी राजीव जी ने, तुली जी ने, अब रहमानी खुलेआम घूम रहा है, उसने इसमें शिवलिंग का अपमान किया, भांति भांति की और कितने मूल्य कठमूल्य हैं जो सीधा सीधा शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ में, चूंकि हम सहिष्णु हैं, हिंदू सहिष्णु हैं तो सब बर्दाश्त करेगा। एमएफ हुसैन ने कितनी अश्लील पेंटिंग्स की, उसमें यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो और सभी केसेस को उसने ट्रांसफर किया दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने, और ये चीजें थोड़ी सी ठीक है। अमिताभ जी, बारिश पठान भी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ, तो मैं खत्म कर रहा हूँ, टू कंक्लूड, मैं एक चीज खत्म कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा मानना है कि इसको इसमें करना ये चाहिए कि अभी राजनीति से अलग हटके इस जो जिहादी मानसिकता है उसके खिलाफ में देश को एकजुट होना चाहिए। फ्रांस ने किया, फ्रांस ने दिखाया
कि चार्ली हेब्दो हर बिल्डिंग पे आ गया, तो उसके बाद कितनों को मारोगे?